अभी इस वक्त हम खड़े हैं जगदीशपुर गांव में, और ये जो चौराहा है ये जगदीशपुर चौराहा के नाम से जाना जाता है, और जहां हम खड़े हैं ये मुसहर बस्ती है। हम आईटीओ के पास एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे थे, उस वक्त हमें कैमरा बंद होने के बाद कई लोगों ने बताया कि आप चले जाइए, अगर आप वाकई में समस्याओं को दिखाना चाहते हैं, जो लोगों का जीवन यापन है, जो कठिनाई में जी रहे हैं उनके बारे में दिखाना चाहते हैं आप, तो आप मुसहर बस्ती चले जाइए। ये मुसहर बस्ती है, हम बता दें आपको। तो यहाँ पर हमें कई लोगों ने बोला कि आप जाइए वहाँ पर, और कुछ लोग ऐसे भी मिले हमें जिन्होंने मीडिया वालों से नाराज़गी जताई कि जो कुछ दिखाया जा रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है, वो चीज़ें वैसी नहीं है धरातल पर। तो हमने कहा, फिर हमने उनको आश्वासन दिया और हम यहाँ पर आ गए हैं ताकि जो हम कहते हैं वो सही हो, जैसा कि हमारी टैगलाइन है, सच के साथ आपके साथ। तो हम उसी के तहत यहाँ पर आए हैं, इन लोगों का जो जीवन यापन है वो सब दिखाने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर, दादाजी आप एक बार इधर आ जाइए, तो एक मिनट आ जाइए आप। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं क्या नहीं। मैं कैमरामैन से बोलूँगा एक बार ज़रा वो ऊपर की भी तस्वीरें दिखा दें, अगर बारिश हो तो बारिश के मौसम में कितनी दिक्कतें आती होंगी। इसके साथ ही साथ अब ठंडी की शुरुआत हो गई है, ठंड आ गई है, धीरे धीरे बढ़ रही है। अच्छा, यहाँ पर पानी पीने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएँ हैं? वही है, वही नलका। अच्छा, वो सरकारी जो नल है उसी की मदद से आप लोग पानी यहाँ पर लेकर आते हैं? हाँ। और सारी चीज़ें कर नहीं के लिए। हाँ हाँ, बर्तन वर्तन धुलने के लिए, खाना पकाने के लिए एकमात्र वही नल है सबके लिए। हाँ। तो ये बस्ती जो शुरू होती है यहाँ से होती है ट्रांसफार्मर के पास से, और यहाँ से लेके वहाँ तक। अच्छा, वो जो दूसरा वाला खम्भा है आगे, एक छोड़ के दूसरा वाला जो है वहाँ तक, आप कितने लोग होंगे लगभग? लगभग हमसे हैं यहाँ 300। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और बताइए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा कि इस जगह को मुसहर बस्ती क्यों बुलाते हैं, मुसहर क्या है, आप उस पर थोड़ा सा बताइए। ऐसा है कि मुसहर जो आदिवासी में आते थे, यहाँ हम सब वनवासी में लिखा जाता है। आप लोग वनवासी में आते, तो आप रहने वाले तो यहीं के हैं मूल रूप से, जौनपुर के ही? कितनी पीढ़ी से आप लोग यहीं रह रहे हैं? यहाँ हमारे सबके दादा परवाजा तब सब। अच्छा, सब लोग यहीं पे रहे, तो पहले भी ऐसे ही, मतलब जैसे अभी आप लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा इधर आ जाइए, क्योंकि इधर सड़क है, किसी तरह की दुर्घटना ना हो। तो यहाँ पर एक चीज़ बताइए कि जैसे जितने भी घर हैं, मेरा अंदाज़ है लगभग 15-20 घर होंगे यहाँ पर इस पूरे लाइन में, 25-30 घर हैं, 50 घर हैं। अच्छा, 50 घर हैं, तो इस 50 घर में सबके पानी के लिए आप लोग तो यहाँ से लेते हैं, जो उस तरफ हैं दूसरी तरफ वो कहाँ से लेकर आते हैं? वो सामने से ले लेते हैं सब। अच्छा, मतलब आपके लिए पीने का पानी का कोई इंतजाम नहीं है? साहब, हम लोग वहाँ से पानी ले ही थे दूसरे घर। हाँ, आप इस तरफ आ जाइए ताकि आप। हाँ, तो आप भी वहाँ दूसरों के घर से ही पानी लेते? दूसरे घर से। हाँ साहब, दूसरे घर। हाँ साहब, किसी तरह की आप लोगों को कोई सुविधा नहीं है? मतलब सर, सुविधा ना चाहिए, कोई सुविधा नहीं। राशन आसन मिला है फ्री? राशन मिलता है साहब, राशन कार्ड बना है आप? हाँ हाँ साहब, राशन कार्ड मिलता है। और आधार कार्ड? आधार कार्ड ही बना है। आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पेन कार्ड है। हाँ, ये सब चीज़ हैं, खाली सर पानी होने की दिक्कत है सर। ये जो इलाका है ये तो नगर निगम के क्षेत्र में आता होगा, नगर निगम के अंडर में? हाँ हाँ, पहले था। हाँ, अच्छा, अभी प्रधान ही करा लिया जी। तो आप लोगों को ज्यादा सहूलियत कब थी कि कभी नहीं? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं थी सहूलियत, ना पहले थी और ना अब। ना अब। तो और क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को? जैसे सरकार कहती है कि उज्ज्वला योजना के तहत सबको सिलेंडर फ्री में मिले हैं, घर घर में सिलेंडर मिले हैं। हाँ साहब, सिलेंडर विलेंडर हर चीज़ ऐसे, जैसे साहब घर के हम लोग के दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, हाँ कमाने खाने की दिक्कत है, ज़मीन का दिक्कत है, बोने जोते लिए, बस यही सब हम लोग के नहीं मिला है। सब जगह साहब ज़मीन मिली है, हर जगह हम लोग की ज़मीन नहीं मिला है साहब। हाँ, दादाजी बता रहे हैं जैसे कि देखिए छोटा सा घर है, और इस घर में कैसे कितने बच्चे रहेंगे? तब वही 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 सर, यही गल वही बात है। हाँ, कोई चाहिए और बताइए, जैसे यहाँ पर अगर किसी की तबीयत खराब होती है, कुछ होती है, समस्या होती है, तो आप लोग जाहिर सी बात है सरकारी अस्पताल में जाते होंगे? हाँ हाँ सर, सरकारी अस्पताल में आप लोग जाते हैं, तो वहाँ कैसा इलाज होता है? भेदभाव तो नहीं किया जाता? ठीक होता है, ठीक, कोई पैसा लेते हैं, चाहे दवा देते हैं। कितना पैसा लेते हैं?
अब जो कितने पेशेंट मरा जाए उतना पैसा नहीं। जैसे मान लो सरकारी अस्पताल में 200 रुपए की दवा बनी, कभी 400 कभी 300 जितनी मान लो हो जाता है। ये दवाइयाँ आप नहीं होता, ये दवाइयाँ आप बाहर से जाकर लेते हैं या अस्पताल के अंदर से? बाहर से। नहीं, अस्पताल जो दवाई डॉक्टर लिखते हैं बाहर से लेते हैं। हाँ, तो बाहर से। अस्पताल के अंदर दवाई नहीं देते? नहीं नहीं देते साहब, हमें कहते यहाँ दवाई नहीं है, जाओ लिख देते हैं पर्ची बना देते हैं कार्ड, कब जाओ फलां ठहर मिलेगी। अच्छा, तो वो जो देखते हैं आपको चेकअप जो करते हैं उसके लिए कितना पैसा लेते हैं? पर्ची जो कटती है कितना ले? एक रुपये का होता। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम यहाँ के नहीं हैं। आप कहीं और के रहने वाले? हाँ, हम नौपड़वा साइड हैं। अच्छा, नौपड़वा साइड। कैसा लगता है जब आप इधर से जाते होंगे, इन लोगों का जीवन जो है, कभी हुआ ऐसा कि हाँ हमारे जीवन में इनके जीवन में? नहीं नहीं, इन लोगों को हर कितना परेशानी है यहाँ, हर चीज़ का परेशानी है। तो ये बताइए, पहले ये नगर निगम के तहत आता था ये इलाका, तब भी इनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं हुई, अब प्रधानी हो गई, तो जब चुनाव नज़दीक आता होगा फिर तो प्रधान आते होंगे आप लोगों के पास? जितना प्रधान बने साहब, अभी तक कोई हम लोग को सुविधा दिए नहीं। तो जैसे बात की जाती है हमारे समाज में बराबरी की, तो क्या लगता है जब आप इधर से गुजरते हैं इन सबको देखते हैं, तो आपको कभी महसूस हुआ कि नहीं बराबरी नहीं है अभी भी समाज? नहीं नहीं, समाज देखे नहीं, सब एकदम गरीबी हालत में है। 35 साल से 40 साल से हमेशा आते जाते हैं यादव जी हैं। हाँ, यादव जी 40-45 साल से आते जाते हैं, हम लोग को देखते हैं। हम लोग जगह नहीं है सर। अच्छा, तो एक चीज और बताइए, जैसे आप लोग बाहर से सारी चीजें लेकर आते होंगे, राशन वासन और सारी चीजें, गैस सिलेंडर आपने कितने दिन हो गया नहीं भरवाया? नहीं मिलवा ना करा गैस सिलेंडर, तो कहाँ से भरवाए? क्यों नहीं मिलता, क्या वजह बताई जाती? पता नहीं, अब सब के खात प्रधान खात के खात, हमने कहा जानी गैस सिलेंडर में तो प्रधान का कोई वही नहीं। आप लोग जाते हैं सिलेंडर ले? हाँ हाँ साहब। अच्छा, हाँ, तो फिर क्या वजह है वहाँ पे? कभी कितना दिन हो गया जैसे सिलेंडर, अब तो 1000 रुपए का हो गया है, तो आप लोग भरवाते हैं या नहीं भरवाते? अच्छा, लाल कार्ड वाले भरवा रहे? लाल कार्ड वालों को सस्ता मिलता है? नहीं, वही रेट है। मतलब रेट वही है। तो एक चीज़ बताइए, पहले जैसे अब बात होती है महंगाई की, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसका असर कुछ आप लोगों पर पड़ रहा है? इसका असर? हाँ सर, बड़ा मांग है, का काल नहीं, का उपवास हो जाते 2-3 दिन लगातार, 2-3 दिन तक आप लोग खाली पेट रहते? खाली पेट रहते साहब हम लोग। हाँ, पूरे मोहल्ले भर उपवास कर जाते हैं हम ही नहीं साहब। हाँ, अरे कमाई ना तो खाए का? हाँ, कमाई का क्या जरिया? आप लोग कमाते कैसे हैं? मजदूरी है सर। काम करते हैं सर। जैसे किस तरीके का काम? जैसे बालू वालू सीमेंट में मसाला वसाला वाला काम हो रहा, जोड़ाइया वड़ैया के साथ यहाँ ले, वही काम, गारा वारा देने। हाँ, बस वही सब काम हो रहा है। हाँ, अभी यहाँ पर जितने लोग हैं अगर देखा जाए तो एक घर में कितने लोग कमाने वाले होंगे? सब लोग जाते हैं काम पर, काम इस टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं साहब, कभी कभी मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा, कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं साहब। तो एक चीज़ और बताइए कि जब इस समय अगर देखा जाए तेल के दाम भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, सब्जियां भी महंगी मिलती हैं, तो ऐसे में आप लोग क्या, मतलब अगर रोज़ाना बात करें तो क्या चीज़ें बनाते हैं, क्या खाते हैं? चारों दाल चावल रोटी सब्जी बनती है? हाँ, मतलब दोनों टाइम? हाँ, नहीं सर, सवेरे ने दाल बनाई थी। हाँ, उसके बाद 1-1.5 पाव आलू ले आई थे। हाँ, तेल मसाला ले आई थे, वही बना खाई थे। हाँ साहब, जिसके पास साहब 4 लड़के हैं, 2 लड़कियां, 3 लड़के हैं, 4 लड़के 3 लड़के, अब इसको पास मतलब 400 रुपया मजदूरी हो पाता है साहब, तो इसमें चावल आटा खरीदने में मतलब 25 किलो राशन कितना चलेगा साहब? 300 दिन नहीं चल पाता है, 20 दिन चलता है साहब, बहुत मुश्किल से मुश्किल 2 परिवार आते हैं, 3 परिवार तो 15 दिन मान लीजिए, नहीं तो 200 दिन नहीं चलता है साहब। और बताइए, जब आप लोग ऐसे रह रहे हैं तो त्यौहार व्यौहार के टाइम पर कैसी धूम रहती है, जैसे बाकी लोग मनाते हैं पूरे एकदम उत्साह के साथ, सारी चीज़ें तैयारियाँ होती हैं? मना नहीं पाते हम ना, इतने महंगाई के ऊपर कहाँ हम पैसा कहाँ हमारे पास है, तो खाते ही है इधर उधर से, कहाँ पैसा कहाँ मिली पैसा एडवांस में, कि चलिए आऊ फल फूल ले ली, आओ पूरी सब्जी बनाई है कुल करी, कहाँ पाई, कहाँ कपड़ा पाए हैं बतावा। अरे साहब, पेंशन
₹500 महीना मिलता है, 3 महीना में 1500 देते हैं। जैसे गांव में विकलांग है बोल रहे हैं, पानी अच्छा। हाँ, पाने के लिए बोल रहे हैं। इनको विकलांग पेंशन अभी मिलती है? हाँ, मिलती है साहब। हाँ, हम साहब सदर से जब का हमारा पैर खराब हो गया है एकदम साहब, तब से हम पा रहे हैं। हमारा साइंटिफिक है सदर से बना है, बहुत दिन में कच्चा पांच में पढ़ते थे साहब। लड़के बच्चे हैं साहब, वो तो तकलीफ में रहते हैं, हमेशा काम करते हैं। हाँ, ये कि आप लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं? हाँ हाँ, जाते हैं बच्चे लोग। हाँ, पढ़ाई कैसी होती है? अरे प्राइमरी में भेजते हैं साहब, ठीक है, पढ़ावते अच्छा पढ़ावते हैं। पढ़ाई लिखाई लिखे में नई दिक्कत है साहब, हम लोग के जमीन के दिक्कत है, बेंचेज और पानी की सुविधा के दिक्कत है, और रहने वहने के लिए दिक्कत है, और हाँ इसी लिए सब जगह जमीन कॉलोनी वगैरह मिलती है प्रधान की तरफ से। यहाँ पर किसी को मिली है? किसी को भी नहीं मिला है साहब, किस और कोई लोग के नहीं मिला है, किस लोग को मिला है और नहीं मिला। कब मिला था ये? मोदी के सरकार में मिला था साहब। हाँ, मिला था। हाँ, आयुष्मान भारत योजना के तहत भी बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, तमाम है, तो किसी का लाभ वाभ मिलता है आप लोगों को या नहीं? नहीं साहब, कोनो लाभ नहीं मिलता, वो लाभ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता साहब। तो सरकार की तरफ से मतलब जो अपना आप लोग कमाते हैं जितना, उतनी ही चीजें आपके घर में है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो सरकार की तरफ से मिली। हाँ, ये नहीं, ये बोलते हैं पैसा भेज दिए खाते पर, या गैस सिलेंडर वाले पैसा भेज दिए हैं, ये कोई चीज जैसे नहीं आता है जैसे हम लोग के, या जमीन के मोनते हैं कागज जमीन के लिए, जमीन के हम लोग के कागज नहीं है, सरकारी हम आवास से पाए हुए हैं, सरकारी जमीन है साहब। शौचालय भी बनवाए गए थे जगह जगह, यहाँ पर बनवाए गए हैं आप लोग? छोट छोट नान नान है, दो एक थे। कितने पैसे मिले थे शौचालय के लिए? अपने बनवा, पैसा ना दे, एक भी पैसा नहीं मिला है सरकार की तरफ? नहीं नहीं चाहिए। किसी को मिला है? किसी को भी नहीं मिला। हाँ, दिए कहें 12,000 पास करा लिए। मतलब क्या क्या हुआ? 12,000 रुपया अपना पास करा लिए और बनवा के दे दिए, कहें कि ले हो, यही शौचालय है। अच्छा, उन्होंने जो 12,000 रुपये एक शौचालय के लिए मिलते हैं, उन्होंने क्या किया, जो भी प्रधान है उन्होंने शौचालय बनवा दिया और साइन सिग्नेचर करवा लिया कि ये लो हो गया। हो गया बस। अच्छा, मतलब उन्होंने खुद ही बनवा के। क्या है, कैसा है, उपयोग करते हैं आप लोग इसका? क्या उपयोग करेंगे, उसमें कितना है, इतना तो है गड्ढा। अच्छा, बराबर है। हाँ, अंदर कुछ सीट वोट नहीं लगी? कुछ सीट लगी है, कुल लगा। अच्छा, हाँ। तो फिर क्यों नहीं जाते हैं, क्या वजह है? बच्चे खाली चल जाएंगे बस। और तो पानी की भी समस्या है सबसे बड़ी बात, क्योंकि पानी भी नहीं रहता है उसमें, तो वो भी दिक्कत। हाँ सर, पानी नहीं रहता। हम अच्छा, आपने एक चीज़ और बताया अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर कई दिन तक हमें दो तीन दिन तक उपवास करना पड़ता है, तो ऐसे में मतलब बच्चों को क्या कुछ खिलाते हैं? खिलाते हैं साहब, जैसे कि उधार बाढ़ी लिया कर खिलाते हैं। अच्छा, दुकान का लेंगे तो उधार देना ही पड़ेगा, अगला कमाई करेंगे तो देंगे। समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा है। मैं चाहूँगा एक बार जरा हम तस्वीरें दिखा दें, और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, अगर आप लोग हमसे बातचीत करना चाहें, आप लोगों को क्या कुछ सरकार की तरफ से या यहाँ प्रधान उधान की तरफ से किसी भी तरह का कोई आया जनप्रतिनिधि कभी, कोई हाल चाल पूछने? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आता। तो ये बताइए कि महंगाई की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, आप लोगों को कितनी दिक्कतें आती हैं? हम लोग को सबसे ज़्यादा दिक्कत है साहब, रह जगह है या ना, बाल बच्चा देखा था इससे दवाई सुई में तबाह रहते हैं हर बखित। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे इनका जीवन यापन और सारी चीज़ें, तो सब कुछ एकदम मुश्किलों से गुजरता है। सरकारें बड़ा बड़ा दावा करती हैं, लेकिन असल में जिनके लिए किया जाना चाहिए उनके लिए नहीं किया जाता है, कई बार ऐसा देखा गया है। अगर हम आपको आगे की तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं, ये मुसहर बस्ती के नाम से जाना जाता है और ये काफ़ी आगे तक है ये बस्ती। तो यहाँ पर जैसा कि लोगों ने बताया कि यही एकमात्र हैंडपम्प है जिसकी मदद से पानी उन्हें मिलता है, अगर ये हैंडपम्प ख़राब हो जाए या कुछ भी दिक्कत आ जाए तो उनके पानी का जो जरिया है वो भी बंद हो जाता है, फिर उन्हें और आगे जाना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हाँ, कई जगहों पर हो सकता है जहाँ आप रह रहे हो वहाँ के आसपास का जो इलाका हो वहाँ भी कुछ ऐसे लोग हों जो काफ़ी मुश्किलों से घिरे हुए हों, जिनके सामने मुश्किलों का एकदम परेशानियों का अंबार लगा हो। आप देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ भी अच्छा, यहाँ कभी कोई साफ़ सफाई वाला नहीं आता है? हाँ, आते हैं सर। कुछ अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आप बताइए कि आप
क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ की, क्या क्या चीजें हैं जो आप सोचते हो कि सरकार ये सुधार सकती है, कर सकती है? पवन जब हमने रहा सिस्टम है ना, कौन चीज सुधारी हमने, आए जब जगह दें, जमीन दें, घर द्वार की व्यवस्था दें, ये तो नहीं ना हमने के, तो का हमने सुधारी कैसे रह चाहिए, जितने बतने गुजर कर अब न, मतलब कोई भी लाभ नहीं मिला है प्रधान की तरफ से, केहू की तरफ से ना कुछ, क्यों तो हर महीने राशन मिलता है वो मिल रहा है, मिला था माले घरे में दो जने हैं, दस जने हैं, तो दो जने को मिला था, दो जने जा कट्टी हो गया, काहे का पतन काहे, नियम भगवान माले सरकार चाहे जमन करे, चार जने हैं तो चारों जन के मिले, चारों जने के ना मिले, चारों जने के ना मिले, तीन जने हैं तीन जने के मिलत बा, चार जने दस जने हैं दसों जने वही खाए, दो जने हैं दस जने जकरे नौकरे दुए जने के देते हैं, राशन कार्ड पर सबके नाम लिखा है, लिखा ल काट कूट ना मिलन भैया काट नाम आते हैं, हाँ एक जने दो जने के रहा, हाँ ज्यादा क्या ज्यादा परिवार रहेगा उसका भी कार्ड देंगे, बस पाँच ही लोग को देते हैं, बस पाँच लोग को। अच्छा और क्या क्या दिक्कतें हैं आप लोगों की, जैसे पानी की अभी हो गई, इसके अलावा शौचालय के लिए आप लोगों को कहाँ जाना पड़ता है, खेत की यारी, हाँ दूसरी ओरी जाई मारी सुनी गारी सुनी, हाँ जहाँ बा हम लोग को तो रहा ठिकनवा ही न बा, तो हम लोग शौचालय कहाँ जाब, हाँ बतावा बहुत ज़्यादा है आप देख सकते हैं यहाँ पर जी। तो जो ये जगदीशपुर गांव, ये जगदीशपुर गांव है, जगदीशपुर गांव, अच्छा जगदीशपुर गांव और ये मुसहर बस्ती, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो जितने भी लोग हैं वो तकलीफ़ों में रह रहे हैं, तो यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं जनप्रतिनिधि हैं उनको यहाँ ध्यान देना चाहिए, इन लोगों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, उनका फोकस थोड़ा मैं चाहूँगा कि इस तरफ भी आए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें, सबसे बड़ी बात है जो मुझे लगी सबसे बड़ी दिक्कत है वो है पीने का पानी नहीं है इन लोगों के पास, इन्हें पीने के पानी के लिए भी दूसरों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है यहाँ पर। अच्छा यहाँ कोई हैंडपम्प वगैरह है, यहाँ भी नहीं है साहब, यहाँ फिर भी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ये सब घर नहीं है साहब, ये शौचालय है तो इसका इस्तेमाल आप लोग करते हैं? अच्छा 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 अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पर ये किसका घर है, ये साहब दो ठो बच्चे हैं ना उसका है, झोपड़ी हमारी है साहब। अच्छा वो आपकी, हाँ अच्छा, ये लकड़ी वकड़ी यहाँ पर तमाम रखी हुई है, ये किस लिए रख रखी है? अरे वो चूल्हा जगा जलाई था, हाँ खाना बना बनाई थी वही से, हाँ गैस सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं करते? नहीं नहीं मिलवे ना कर, क्या करें साहब, सपनों में ही है, हाँ अच्छा चलिए। अच्छा यहाँ पे क्या है, ये गड्ढा है मिट्टी, ये लैट्रिन का गड्ढा है, ये अच्छा ये लैट्रिन का गड्ढा, हाँ बस इतना ही है, तो ये इसके ऊपर से ये क्या किया है उन्होंने, ये इसको मजबूती से नहीं रखा ऊपर, कुछ नहीं साहब, खाली वैसे लगा के तोड़ के बस भाग गए साहब, और अगर कोई छोटा बच्चा हो वो इसी के अंदर गिर जाए फिर तब तो वह कहे थे भैया ना अपन अपन बच्चा हम लोग बचाए रहे थे चुनी नींद है तो कुल दौड़ा थे भाई, हाँ वह साहब इतने तुआ में खाली वही हमको, ये तो भैया मतलब सीधी बात है कि घपलेबाजी धांधली की गई है जो काम, हाँ देख ही सकते हैं आप, इस पर सीट नहीं रखी गई, ये पत्थर है क्या, हाँ ये पत्थर है, पटिया रखे हैं, ये तो बड़ी समस्या है भाई, इन्होंने क्या बताया, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं यहाँ के, आप देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो कहीं आए और किसी भी तरह का अगर हादसा हो जाए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इसके अलावा और भी क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर आप लोगों की? बस बस देखो साहब वहीं से पानी हम सब, अच्छा मैं बोलूँगा एक बार जरा वो तस्वीरें दिखाएं, वो जो हैंड पंप है वहाँ पर तो वो तो किसी और का होगा? नहीं नहीं वो कोटेदार का है साहब। अच्छा कोटेदार का है, तो कोटेदार क्या पानी लेने जाते हैं तो कभी कुछ कहते हैं? नहीं कुछ नहीं कहते हैं। अच्छा पानी के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा हाँ तो मतलब पानी आप वहाँ पर लेकर जाएंगे अगर, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं वहाँ से लेकर आ सकते हैं अपना बर्तन वर्तन में रख, हाँ हाँ साहब भी आ गया बल्ट यहाँ नलका यहाँ हैंड पाइप यहाँ लगवा देना, इस पार हम लगवा दें हैंड पाइप। उन्होंने क्या सोच के लगवाया कभी, मतलब वहाँ कौन इस्तेमाल करता है आप लोगों के अलावा? दिक्कत हमें लोग ये छोटे छोटे बच्चे हैं, सड़क डाकते हैं, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कभी हम लोग को दिक्कत आता है ना इसमें, बस यही दिक्कत आता है हम लोग के, हाँ मेन रोड है एकदम उधर से गाड़ी के रात करते, छोटे छोटे बच्चे हमारे वहाँ जाते हैं, इसलिए कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो कभी हम लोग को दिक्कत है, हाँ हो सकता है क्योंकि क्या पता सामने वाला किस अवस्था में है, क्या पता खा पी रखा हो, रोके गाड़ी ना रोके उसको क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत हादसे देखने को मिलते हैं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन लोगों का जो जीवन यापन है वो बड़ा है, मुश्किलों से गुजर रहा है। ऐसे बहुत सारी बस्तियाँ, बहुत सारी जगह है जो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप क्या कुछ कहते हैं, क्या लगता है आपको, भारत की तस्वीर बदल गई है, नहीं बदल गई है, तो क्या कुछ लगता है आपको? और भी तमाम सारी चीज़ें हैं, अगर आप शहरों की चकाचौंध में रहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो हमारा देख के आपको कैसा लगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आकार के साथ आदर्श मोहन, सन राइज़ न्यूज़, जौनपुर।